नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीस केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही इजी और अमेजिंग रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें कमेंट्स में बताई थी कि आप एगलेस वेनिला कपकेक शेयर कीजिए और वो भी स्क्रैच से बताइए, और वो भी हमने बिना ओवन बनाई है, यानी कि हमने कढ़ाई में बनाई है, तो ये सबके लिए बनाना आसान रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना नो ओवन एगलेस वनीला कपकेक। दोस्तों, यहाँ हमने ओडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर लिया है। ये बेकिंग और कुकिंग दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अभी तक हमने इसका सिर्फ केक बेक करने के लिए ही यूज़ किया है, लेकिन आज हम इस ओडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर से कपकेक लाइनर भी बनाएंगे, और ये बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास ये पार्चमेंट पेपर है तो आपको कपकेक लाइनर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरह से हम दिखा रहे हैं उसी तरह से आप कपकेक लाइनर बना सकते हो। पार्चमेंट पेपर को हमें कप की साइज़ में कट करना होगा। हमारा कप यहाँ पर छोटा है तो हमने यहाँ पर 4 इंच का स्क्वायर लिया है। अगर आपका कप बड़ा है तो आपको बड़ा स्क्वायर लेना होगा। अब इसे 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। अब पेपर कप को उल्टा करेंगे और बिल्कुल बीच में अरेंज करेंगे। जो आपको 4 लाइनें दिख रही हैं, इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और अच्छे से दबा देंगे। तो आप इस तरह से कपकेक लाइनर बना सकते हो, और फिर हम इसे कप में अरेंज कर लेंगे, जिससे हमारा केक कप में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अगर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो अंदर एक हम दूसरा कप डालेंगे और इसे प्रेस करेंगे। तो इसमें अच्छे से बैठ जाएगा, और जो बचा है उसे हम इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि हमें कपकेक्स को निकालने में आसानी रहे। आप इस तरह से कप को उल्टा करके भी कर सकते हो। पहले सभी तरफ से इस तरह से प्रेस करेंगे और एक ग्लास को उल्टा करके रखेंगे। अब जो अंदर वाला ग्लास है उसे निकाल देंगे तो ये फटाफट लाइनर बन जाएगा। अब सबसे पहले हम बाउल में दही ऐड करेंगे। अब हम ऑयल ऐड करेंगे। अब हम दोनों को अच्छे से विस्क करेंगे, और दही और तेल मिक्स होने तक हम इसे विस्क करेंगे। आज हम आपके साथ स्क्रैच में से कपकेक्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं ताकि सबके लिए बनाना आसान रहे, और जो बिगनर्स हैं वो कपकेक सीखना चाहते हैं तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही काम आएगी। तेल हम रिफाइंड ही यूज़ करेंगे। कोई भी स्मेल आने वाला तेल हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे सिंग तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, वो हम बेकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें कोई स्मेल या टेस्ट नहीं रहता है। अब हमारा दही और ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पाउडर शुगर भी ऐड करेंगे। और हमने सभी इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उधर जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। अब हम यहाँ वेनिला एसेंस भी ऐड करेंगे।
अब हम यहाँ बाउल पर छन्नी रखेंगे और मैदा भी ऐड कर लेंगे। अब हम मिल्क पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ बेकिंग पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने से हमारे बैटर में लम्स नहीं होंगे, इसलिए ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही बेसिक वनीला कपकेक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जब हमने अलग अलग फ्लेवर्स के कपकेक्स आपके साथ शेयर किए थे, तब बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें बोला था कि आप बेसिक वनीला कपकेक शेयर कीजिए। तो हमने आज आपके लिए ये बेसिक वनीला कपकेक्स बनाए हैं, और वो भी स्क्रैच से बनाए हैं ताकि सबके लिए बनाना आसान रहे। अब हम यहाँ मिल्क भी ऐड करेंगे। मिल्क को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़े थोड़े पोर्शंस में ऐड करेंगे और साथ साथ हम कंसिस्टेंसी भी चेक कर लेंगे। थोड़ा येलो कलर ऐड करो कि वाइट है शेवा के बीच। अब हमारी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। हमें इस कंसिस्टेंसी तक ही मिल्क ऐड करना होगा, और ये कंसिस्टेंसी कपकेक्स बनाने के लिए परफेक्ट है। इस तरह का जार लिया है, उस पर पाइपिंग बैग इस तरह से रख दिया है। अब हम इस पाइपिंग बैग में बैटर डाल देंगे ताकि हमें बैटर को कपकेक्स में डालने के लिए आसानी रहे। इस तरह से हम आगे से कट लगा देंगे। जो हमने कपकेक लाइनर्स रेडी किए थे, उसमें अब हम बैटर को ऐड कर लेंगे। हमें कपकेक्स को 3/4 ही भरना है, पूरा भरना नहीं है, वरना कपकेक्स बाहर भी आ सकते हैं। वनीला कपकेक्स को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ टूटी फूटी भी ऐड करेंगे। इतने कपकेक्स के बैटर में से हमारी टोटल 7 कपकेक्स बनी है। अब हम टिन को इस तरह से टैप भी कर देंगे ताकि कपकेक्स में एयर बबल्स ना रहे। अब हमारी कपकेक्स बेकिंग में जाने के लिए रेडी है। अब हम कपकेक्स को 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे और 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक होने के लिए रख देंगे। 35 मिनट के बाद हमारी कपकेक्स बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम कपकेक्स को बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारी कपकेक्स ठंडी हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड भी कर लेंगे। आप देख सकते हो कि हमारी कपकेक्स आसानी से डीमोल्ड हो गई है, क्योंकि हमने कपकेक्स लाइनर बनाया था और लाइनर की वजह से हम जो पेपर ग्लास है वो दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कपकेक्स को कट करके भी देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि कपकेक्स में झालियाँ बहुत ही अच्छी बनी है और हमारी कपकेक काफ़ी स्पॉन्जी भी बनी है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे एक आसान सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।